तो आज हम आपको सिखाएंगे बर्गर कैसे बनाया जाता है। बताया हाथ का जो रियल डर्ट फ्लेवर जो आएगा तो मजा आएगा। लेट्स चीयर्स मैन। वो स्टेट में दूर समय पहले देखता था। इव इव इव। तुझे अभी पानी पीना है? एक मिनट में। क्यूटी आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं, तो ये दोनों आज बर्गर्स बनाने वाले हैं। तो आई एम गोना बी आउट ऑफ द किचन, मैं आज सिर्फ कमेंट्री करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अभी आज इनके कुकिंग ना। एक मिनट, इससे पहले ये IPL देखते बैठे थे एंड आई हैव डन ऑल द प्रिपरेशन, सो क्या कुछ नहीं करेगी। और बर्गर बनाने में क्या ही रॉकेट साइंस लगता है, मतलब सब कुछ सिर्फ असेंबल करना है और तो हो बना गया लो। बट वो भी हम देखेंगे उनके सॉसेस कैसे प्रोफेशनल होते हैं, वो सब आज देखेंगे कि इनको कितना नॉलेज है कुकिंग के बारे में। सब घर पे क्यों बनाएगा अगर 50 रुपए में मैगडी में मिल जाता है? करेक्ट। नहीं, बिकॉज घर का बना हुआ और टेस्टी होता है। सो आज आपके कुकिंग स्किल्स भी देखेंगे सब, पूरी ऑडियंस देखेगी आज। सो चलते हैं, इनका बर्गर बनाने का प्रोसेस देखते हैं और फिर सिर्फ बर्गर्स एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेड शेफ्स के लिए थोड़ा ग्लव्स वगैरह अरेंजमेंट कर लो। ये टोपी का है भाई? हाँ। स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये है हमारा गैस। किसके लिए है वो? सेटअप है, ये तवा है, इस पे हम लोग बर्गर बनाएंगे। बर्गर बनाएंगे तवे पे? अच्छा, इधर से ही शुरुआत है। आई थिंक फॉर द पैटी यू कैन यूज एयर फ्रायर, बिकॉज़ यू नो आई डोंट नीड ऑयली फूड, यू नो दैट्स व्हाई। तो आज हम आपको सिखाएंगे बर्गर कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाएंगे। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये है एयर फ्रायर। अच्छा बता रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं। एयर फ्रायर से हेल्दी बन जाएगा, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूं, एज यू कैन सी। ये उसका देखो पेट नहीं। हाँ, थोड़ा तेल बाहर निकाल लेते हैं। ओके। उसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। ओके। करेक्ट। ये कुछ घास फूस पत्तियां, ये सब मैं नहीं डालता हूँ। बट ये किसने काट के रखे है बाय द वे? ये सब रेडी किसने किया है? ये स्विगी पे आता है। हाँ, ये रेडी था। ये पूरा प्लेट किसी ने मेहनत नहीं किया। कितना झूठ बोल रहा है ना, मतलब अप्रिसिएशन नाम की चीज नहीं है। फिर ये हो गए बर्गर बन। ओके। एक्चुअली मेरे में स्किल है कि मैं खुद से बन भी बेक कर सकता हूँ, बट आज टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ओके। ये है चिकन पैटी। वेज है अपनी माता जी के लिए क्योंकि वो वेजिटेरियन है। हाँ। और ये हमारे लिए है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ये टच नहीं होना चाहिए, फ्रेम कर देते हैं प्लीज। और ये है पानी। ये है पानी। पानी किसके लिए? ये शेफ्स की प्यास बुझाने के लिए। और ये है बारबेक्यू भी है, डाल देंगे। और क्लासिक रेंच की ठीक, ये भी डाल देंगे। अलग अलग बर्गर बनाते हैं। बर्गर बनाने से पहले इनका स्टार्ट हो गया। नींबू भी लगता है बर्गर बनाने में। छी। So let's cheers man। पहले तो तुम दोनों ने हाथ धोए हैं क्या? मैं तो पूरा नहा के आया हूं भाई, लग रहा हूं नहाया हूं। इसका नहीं लग रहा। मैंने तो ग्लव्स भी मांगा था। ये सेटअप मिल नहीं रहा है बराबर। ऐसा नहीं होता है, हाथ का जो रियल डर्ट फ्लेवर जो आएगा तब मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप होता है फोन खोलो और यूट्यूब निकालो। यस, हम पहले देख लेते हैं, 5 मिनट में आते हैं। और होता है ये पहले यूट्यूब देख के। हाँ, ये अभी दो लगता है। हाँ। अभी तक कुछ रखा भी नहीं, चिमनी स्टार्ट कर दी है। और क्या अनपढ़ लोग हैं, बाहर जाते हैं। कौन से फ्यूम्स भाई, तूने कुछ रखा ही नहीं है गैस पे। हम तुम्हें एक बर्गर कट कट, ये सब नहीं चलेगा। ये आजकल के इनको सब असेंबल करने के लिए भी यूट्यूब चाहिए। तो पहले भी पैटी बनाएंगे, तभी आपको दिखाएंगे एयर फ्रायर में कैसे रखा जाता है। ये पैटी एक अच्छा दीजिए सर। कितने पैटी?
तन्वी कितना खाएगी? पांच तो खाएगी नहीं, ये फर्स्ट लॉट तो उसी के लिए बन रहा है। पांच तो यही खाएगी। निकालिए सर, और ये तन्वी के नाम पे अच्छा मेरे तीन बर्गर, चौथा भी तेरा ही है। नहीं, ये पूरा ही तन्वी के लिए, हमने तो ऑर्डर बाहर से किया। हमारे तो पर्चेस वाला आ रहा है, मतलब मेरा पेट खराब होने वाला। ओके, वो एयर फ्रायर स्टार्ट करना है वो भी नहीं पता। ये देख 200 फुल हो गए, व्हाट द टाइम, 4 मिनट्स लिखा है। रोहन पहली बार एयर फ्रायर स्टार्ट कर रहा है। क्या हो गया? सॉस तो बनाओ, योर स्पेशल सॉस, वो तो सर्विंग के लिए। थोड़ा गरम करने के पैटी, तो अनमाटी किसी में डाल देंगे 5 मिनट के। बंस 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 इसी में। अच्छा हाँ, ये है ना इसमें। हाँ हाँ, स्मार्ट। तो पहले सॉस बनाते हैं। असिस्टेंट क्या कर रहे हो तुम? मैं दे रहा हूँ ना उसको विस्क निकाल उसको। और नोटी हो रहा के ये चम्मच ना, ये इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। मैं जब तक डाल दूंगा ना, परफेक्ट मेरे हाथ में रहेगा। अच्छा अच्छा, अभी मेयो है, इसमें जाएगा केचप। अच्छा ओके, इतने चम्मच है ये, अभी तक ढूंढ ही रहा है। देखो, एव एव एव, अच्छा ये इसी से काम चला लेंगे। ये इसको बोलते हैं मिक्सिंग मशीन। ये उसका मिक्सिंग, देखो। मेरा पेट वेट खराब तो नहीं होगा ना? आई थिंक सो, इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू का भी फ्लेवर आना चाहिए। इससे अच्छा भूखे रह लेती सब्जी। तो आई थिंक अभी 4 मिनट होने पाए हैं, तो प्लीज चेक आउट। वाह, मेरे को लग रहा है बनने में। स्टील का चमचा एयर फ्रायर। ओके, सबको अभी मैं उल्टा कर रहा हूँ पहले। अच्छा, तो एक साइड ही हुआ है? हाँ, दोनों साइड लिखा है। 4 मिनट 8 मिनट्स यस लिखा नहीं, पता था मेरे को 8 मिनट्स करना पड़ता है। 4 मिनट कर दिया अपनी, इसलिए पेट गर्म होता है। एक्सपर्ट्स एडवाइस। इस दिन तो नगेट्स में से कुकड़ू कुकीज होने दे रहा था। कुकड़ू ना नहीं बना देते। क्या बोला? नगेट्स में से कुकड़ू को सुनाई दे रहा था। हाँ, तो गाइस एक बहुत बड़ा हैक है मेरे पास। ये आपका जब थोड़ा ऑयली हो जाता है, जब सरफेस खराब ना हो, उसके लिए एक स्पेशल आप ऑयल ले सकते हैं। Wow, what a advice. Okay, so अभी बन भी टोस्ट कर लिया। सब साफ करना है जो भी गंदा कर रहा है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लग रहा है, प्लीज डोंट कॉपी इट, इट्स पेटेंटेड बाय रोपरा ब्लॉग्स। ये नहीं जाता बर्गर में। हेलो हेलो, रखो रखो अंदर। साइड बाय साइड सम एक्स चल रहे हैं। ये एक तो आया था बर्गर में, मैं तो पहली बार, मैं भी पहली बार ले भूला क्यों है, खत्म क्यों है। गाइज मैं खाना खाना करती नहीं हूँ, मेरा एडिटर सिर्फ खाने का पार्ट रख देता है, बाकी सब हटा देता है। इधर दो। गाइज मैं खाना खाना करती नहीं हूँ। वाओ, ए तुम लोग के झूठे हाथ से तुम अभी बर्गर। इसी से भाई चारा बनता है। गाइज मैं खाना खाना करती नहीं हूँ। आप बन तो देखो, मैं इधर
इसको घुमा देता हूँ। रोहन को गैस के यहाँ पे खड़ा किया है, मतलब वो पूरे उसके हथियार लेके खड़ा रहेगा गैस के यहाँ पे अभी। वो चाइनीज नहीं है। नहीं ना पता नहीं है। रख दो वो वापस, उसकी जरूरत नहीं है। कंफर्म? यस। व्हाट आर यू डूइंग? ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो है क्या तेरे पास? वीजा और पासपोर्ट तो है क्या तेरे पास? किसी को टोपी पहनानी हो ना जिंदगी में तो इसको कांटेक्ट करो, टोपीबाज आदमी। आई थिंक सो ये पैटी बन गई है। थैंक गॉड जला तो नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? हां मैं है ना, कैसे चलेगा? जल तो शायद तू ही रही है इसे। ये बर्गर तो बहुत बढ़िया ही बन गया। परफेक्टली टोस्टेड। एक मिनट रोहन को निकालने दो ना वो बन। डेलिकेट डार्लिंग तू अभी चाट रहा था वो चटनी को। मैं ब्रश करके आया हूँ। तो गाइस ये प्रोसेस अब ये वापस करेंगे तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब इनके सारे बंस रेडी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द आगे की प्रोसेस। नीचे वाला पहले बदल लेंगे। ओके। इधर रखेंगे। ओके। फिर सॉस लगाते हैं। वाओ सो थिक है। सो अभी क्या कर रहे हो तुम? ये सॉस लगा रहे हैं बॉटम बन पे। ओके। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा हेयर रोल क्या है ये पूरे व्लॉग में? सबसे ज्यादा मेहनत तो इसने की है। क्या मेहनत किया है? गरम कौन कर रहा है फिर? लेट्स हैव सम वेजीज ऑनियंस। मैंने ये देखा है कि ये पहले जाता है। ये बस ऑर्डर देने का काम कर रहा है जैसे साइट पे अपने जैसे साइट पे अपने कारपेंटर्स को ऑर्डर देते ना वैसे ऑर्डर दे रहा है इधर भी। ये अगर उनको काटने बोलती ना मैं तो मतलब बर्गर बनते ही नहीं। कटा भी कुछ अच्छा नहीं है तो थोड़ा बेल होने से बढ़िया। मतलब काटा है उसका भी कुछ नहीं है भाई। शुक्र मनाओ बर्गर बनाने बोला है, पिज्जा बनाने बोलती तो मतलब इनका पिज्जा मुझे लगता है एक महीने बाद बनता। चीज का स्लाइस नहीं खुल रहा है इससे। ए फिर तुम 20 रुपए नहीं ले सकते चीज के? ऐसे आधे आधे चीज स्लाइस डालोगे तो? आई थिंक सो मिंट एक पे डालते हैं, मेरी इसमें रेंच डालते हैं। मुझे सब चाहिए। हां सब चाहिए? सब चाहिए क्या? बात तो नहीं कर, सब में जाके सब कुछ डाल दो। हाँ तो भाई 300 रुपए का सब आता है तो मैं सब सॉसेस डालूंगी ना, मैं ऐसे थोड़ी ना दो तीन डालूंगी। जलने का स्मेल आ रहा है। प्लीज चेक आ, मेरा एयर फ्रायर खराब नहीं होना चाहिए। उसके बदले नहीं तो डाइसन लेके आना पड़ेगा विद एयर फ्रायर। तू सर्कस में काम करता था क्या पहले? ये हो गया बर्गर रेडी। तो नाउ एक प्लेट करते हैं। ये सोने वाली प्लेट यूज करें। सोने की प्लेट? यस। Yeah. And the dish is ready. आएगा? No, first show the audience ना. Ropra restaurant. वाह 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 वाह। सिर्फ असेंबल करने में इनको लगा है आधा घंटा। नाइन सभी देख रहे हो खुद के लिए पूरा स्लाइस और हमारे लिए आधा आधा स्लाइस। Come to me. चलो शक्ल तो अच्छी लग रही है वैसे बर्गर की। विच कौन सा है? ये वाला। उसमें तुम्हारे लिए उन्होंने दो चीज स्लाइस डाले और भर भर के लेट्यूस डाला है। रोहन ने बोला मेरी सासू माँ बहुत डाइट कॉन्शियस है तो मैं ज्यादा लेट्यूस डालूंगा उसमें। फर्स्ट टेस्ट
पर मम्मी कैसा लग रहा है तुम्हारे सुपुत्र लोगों ने बर्गर बनाया कि अगर मैं बनाती ना तो बोलती ठीक ठीक बनाए इसमें सीजनिंग सब किया है ना अच्छे से खा के बताना कितने रुपए का हो सकता सब सब आया इसमें बन नहीं आया थोड़ा बहुत फेक लग रहा है अब तो शेफ हो चुके हैं ऑफ कोर्स क्या क्या मतलब ये क्या बात है डन बाय द एक्सपर्ट बहुत बढ़िया ओके मम्मी पैटी का तो बाइट लिया नहीं है झूठी तारीफ कर रहे हो बेटों की नहीं 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 ऐसे ज्यादा है वो रुक नहीं रही है मतलब हां ये देखो ओहो ओके चलो सेकंड टेस्ट यस नॉनवेज एक पहला है ना पहले तो मतलब इन दोनों ने ना जरा चीटिंग की है आधी आधी स्लाइस खुद ये स्लाइस निकाला हुआ था ये दोनों आधा हम बोलते हैं यार ये शेफ के साथ नाइन साथ चलो कोई नहीं चलो लेट्स स्टार्ट ओके मैकडॉनल्ड्स तो बेहतर है अब रियल शेफ की बारी है अब रियल परफेक्टली कुक्ड मतलब वो इतना जूसी लग रहा है ना पैटी वेरी नाइस देखो इसने बोला था ये दोनों साइड चार मिनट करना ही पड़ेगा मम्मी पैटी के अंदर क्रिस्पीनेस आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है पैटी इज परफेक्टली कच्चा पैटी उसको लगता था ये फ्राई वाई नहीं करना हमारे दो मिनट रखे थे अभी चलो खराब होते थे हां तो डू यू थिंक वी आर क्वालिफाइड फॉर मास्टर शेफ यस यस ऑफ कोर्स यू आर क्वालिफाइड एक सेकंड एक्सक्यूज मी इसका मतलब ये है कि तुम दोनों अभी हर हफ्ते ये ऐसा कुछ खाना बना के खिलाओगे कट गया चूहिया नो लेट्स स्टार्ट इन हमारा भी तो रिव्यू होगा अपन भी तो ये तो एक तो गलत बर्गर ले रहे हैं ये तो रैंडम बर्गर है एक तो इसमें टमाटो भी है सॉस भी है जॉब में देखिए मेरा वाला बहुत ही बढ़िया बन गया मैं मुझे ऐसा लगता है चीयर्स मैं सालों बाद इतना पहली बार खा रही हूं ओहो मम्मी को ज्यादा हो रहा है इतना तारीफ नहीं सचमुच परफेक्ट मैं इसके लिए 50 रुपए दे सकती हूँ अच्छा वेरी गुड पुणे में तो असिंग्स का बर्गर मिलता है ना रियल पुणे कर्ज विल नो असिंग बर्गर सेम टेस्ट आ रहा है सेम टेस्ट मजा आ गया वाओ आई विल पे 120 रुपीस फॉर दिस लोगों को एड्रेस बता दो अगर आपको खाना रहेगा तो आप आ सकते हो सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय वी डू एक्सेप्ट पार्टी ऑर्डर्स हाय गाइस सो आज का कमेंट ऑफ द डे जाता है टू निवेदिता एम शी सेज हाय टू बोथ ब्यूटिफुल कपल्स आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड स्टडिंग MBBS योर्स इज अ वेरी क्यूट फैमिली आई ऑलवेज सी योर यूट्यूब वीडियोज एंड शॉर्ट्स वेन एवर आई एम फ्री इन माई बिजी स्केड्यूल रियली यू गाइज आर एंटरटेनिंग अस एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी योर वीडियोज कीप शाइनिंग एवर थैंक यू सो मच निवेदिता द सेकेंड शाउट आउट ऑफ द डे गोज टू लावण्या माथुर सो शी सेज हेलो दीदी एंड जीजू फर्स्ट कॉमेंट लाइक एंड ऑफकोर्स व्यू ओह हाउ स्वीट Please reply, a big fan of you both and your brother. Lots of love to you guys. Keep growing and please post vlogs alternate days or regular, please. We'll try. We are actually posting our vlogs every alternate day now. The third comment of the day goes to Khushi Sikarwar. अब तक का सबसे फनीएस्ट व्लॉग योर फैमिली इज सो क्यूट प्रथम भैया सारे बैग्स लेकर भाग जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं अभी और मैं ऐसे करने दूंगी नहीं एनीवे थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए हमारे लास्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो इफ यू हैव लाइक टुडेज वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय